हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 चल रहा हमारा स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक बच्चों हम क्या देख चुके हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने देखा था स्मॉल बिजनेस का इंट्रोडक्शन, देखा था क्या होता है स्मॉल बिजनेस के अंदर, कितने टाइप्स होते हैं, उनका रोल क्या है इंडिया के अंदर। दरअसल बच्चों हमने देखा था रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। फिर हमने देखा था प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसके हमने एक ओवरव्यू दिया था, जस्ट बिकॉज वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। दरअसल बच्चों हमने देखा था गवर्नमेंट किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। फिर बच्चों लास्ट क्लास के अंदर जो हमने मेन टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, एक एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज के बीच में जो भी एक्टिविटीज होती है, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, उसको क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। जिसके अंदर बच्चों मेनली क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देयर आफ्टर हम रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं। और ये काम तीन पर्पस के लिए किया जाता है। पहला पर्पस क्या होता है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना। दूसरा होता है बच्चों इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करना। और तीसरा प्रॉफिट खुद के लिए कमाना। ये चीज हमने देखी थी। दरअसल बच्चों हमने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ये स्टेप बाय स्टेप करी जाती है, सीक्वेंस में होती है। दूसरा हमने देखा था बच्चों लॉफुल एंड परपजफुल एक्टिविटी होती है, इलीगल काम यहां पर नहीं कर सकते। तीसरा बच्चों इनोवेशन होना चाहिए। बच्चों इनोवेशन के अंदर हमने चार चीजें देखी थी, अगर आपको याद आ रहे हो। सबसे पहला क्या होता है इसके अंदर, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। तीसरा टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू। चौथा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म को ही बदल दो। इसके बाद बच्चों क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सबको मिलाकर प्रोडक्शन करता है और गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है। ये चीज हमने देखी थी। लेकिन हो सकता है एक एंटरप्रेन्योर के पास ये सारी चीजें ना हो, तो वो ऐसे में क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइडर के पास जाता है, उन्हें अपना आइडिया पिच करता है और उनको अगर पसंद आता है तो उनको रिसोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। और लास्ट जो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी वो थी हमारी रिस्क टेकिंग, कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अच्छा खासा रिस्क लेता है। दरअसल बच्चों हमने देखा था नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन, कोई भी कंट्री डेवलप कब करेगी जब एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर ज्यादा होगा। दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे, जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे, उतने ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। तीसरा बच्चों इंक्रीज प्रॉफिट्स, आप कॉस्ट कम करोगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। चौथा सोशल बेनिफिट्स, एक तो आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे लो कॉस्ट पे तो सोसाइटी का फायदा, प्रॉफिट कमाओगे तो आपका फायदा। इसका बच्चों पांचवा हमने देखा था इनोवेशन, वही चीज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। चार चीजें होती है इनोवेशन के अंदर, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ही आप बदल दो। और लास्ट था चेंज ऑफ ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब क्या, आपको एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आपको बदलना पड़ेगा। दरअसल बच्चों हमने क्या पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 8 स्टेप्स पढ़े थे और ये सीक्वेंस में ही होती है, प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में ही होती है। सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी, कि आपको क्या आता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेसेस क्या है। दूसरा बच्चों हमने क्या देखा था, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे, किसी की नीड्स, किसी की वॉन्ट्स, किसी की प्रॉब्लम, किसी के चैलेंजेस को आप सॉल्व कर दो तो वो क्या बन जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। दरअसल थर्ड स्टेप क्या था बच्चों, जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज, आपने जो अभी तक प्रॉब्लम आइडियाज चैलेंजेस देखे उसके हिसाब से आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे कि यहां यहां से क्या बिजनेस मॉडल बन सकता है। देयर आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर बच्चों क्या करते हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज का आप इंतजाम करते हो, रिक्वायरमेंट देखते हो कितना हमको जरूरत पड़ेगी बिजनेस के साइज के हिसाब से। बड़ा बिजनेस तो ज्यादा रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होगा और छोटा बिजनेस तो कम रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होगा। रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो, वेंचर कैपिटल से पैसा ले सकते हो, पार्टनर से पैसा ले सकते हो। स्टार्टअप मतलब आप एक्चुअल में क्या करते हो बच्चों, बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो। सेवंथ स्टेप क्या होता है, ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बिजनेस को आप ग्रो करा रहे हो, चेंजेस के हिसाब से ढाल रहे हो और अपने बिजनेस को ग्रो करा रहे हो। और लास्ट बच्चों जो मैंने आपको बताया था हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस ग्रो हो गया, आपने बिजनेस को बेच दिया, पैसा कमाया और कहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में पैसा लगा दिया। तो बच्चों ये था अभी तक का हमारा लास्ट क्लास का रिविजन, आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। और बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर बेस्ड है, वो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम पर बेस्ड। ये मोदी गवर्नमेंट की बहुत ही बढ़िया स्कीम है बच्चों, आज तक की जो मुझे लगती है पर्सन, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब ये स्कीम क्यों आई थी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, कब आई थी ये बताऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है इस कहानी के पीछे, स्कीम के पीछे। बच्चों जब मोदी गवर्नमेंट आई थी सबसे पहली बार 2014 के अंदर, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करवाने की प्रॉब्लम, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कराया जाए, कैसे बाकी कंट्रीज के संग नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में लड़ा जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारे यहाँ जॉब सीकर्स नहीं होने चाहिए, हमारे यहाँ जॉब
प्रोवाइडर होने चाहिए। हमारा इंडिया का यूथ बाहर जाकर काम करता है, बाहर के देशों के लिए काम करता है, क्यों ना हम कुछ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं, कुछ ना कुछ ऐसी हम माहौल बना दें इंडिया के अंदर कि लोग इंडिया में आकर बिजनेस करना चालू कर दे, लोग बाहर ही ना जाए बल्कि बाहर के लोग इंडिया में आके काम करना स्टार्ट कर दें। तो ये एक स्कीम लेकर आए जिसको नाम दिया गया स्टार्टअप इंडिया स्कीम। हम स्टार्टअप स्टार्टअप का नाम तो बहुत ज्यादा लेते हैं कि स्टार्टअप चालू करना है, स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है, लेकिन बच्चों अभी तक हमको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में स्टार्टअप कहते किसे हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर डेफिनेशन की आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप। अगर मैं एक अपनी शॉप खोल रहा हूं तो क्या वो स्टार्टअप कहलाएगा? अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो क्या स्टार्टअप कहलाएगा? अगर मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या स्टार्टअप कहलाएगा? उसके लिए डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले कि एक्चुअल में स्टार्टअप क्या होता है, फिर देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया की एक्चुअल में स्कीम है क्या। तो बच्चों सबसे पहले जो डेफिनेशन है, कब आई थी डेफिनेशन? 17 फरवरी 2017 को हमारी गवर्नमेंट ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करी थी। उसके अंदर उन्होंने स्टार्टअप का मतलब बताया था कि हम कौन से बिजनेसेस को स्टार्टअप बोलेंगे या कौन से एंटरप्राइजेस को हम स्टार्टअप बोलेंगे। तो सबसे पहला जो उन्होंने क्राइटेरिया क्या बताया, अ स्टार्टअप मींस एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। मतलब कोई भी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहला जो कि रजिस्टर्ड किसमें होना चाहिए, इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, Not older than 5 years, मतलब 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, या तो अभी स्टार्ट हुआ हो, अगर पुराना है तो उसको 5 साल नहीं हुए हुए होने चाहिए। ये आपको चीज समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 crores इन एनी प्रीसीडिंग ईयर। अभी तक आपको जितना भी टाइम हो गया बिजनेस स्टार्ट करे हुए, स्टार्टअप स्टार्ट करे हुए, उसके अंदर आपका एनुअली 25 करोड़ से ज्यादा की सेल्स रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। और चौथा, वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेसेस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और आईपीआर एंड पेटेंट। मतलब क्या, उन्होंने चार कंडीशन बताई, अगर आपकी चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी आप एक स्टार्टअप कहलाओगे, अदरवाइज आप स्टार्टअप नहीं कहलाओगे। पहली कंडीशन क्या है, आप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए हो। दूसरा, 5 साल से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, आपकी सेल्स 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पिछले किसी भी साल के अंदर। और चौथा, आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए, वो इनोवेशन कर रहा हो, ठीक है, वो नई चीजों को डेवलप कर रहा हो, कमर्शलाइज कर रहा हो। और मेन चीज क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। अगर मैं कोई शॉप खोलता हूं अपने लोकेलिटी के अंदर तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, भले वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो, भले ही वो 5 साल से कम पुराना हो, भले उसका 25 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर ना हो, लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी आप क्या कहलाओगे, एक स्टार्टअप कहलाओगे। यहाँ पे इन्होंने 25 करोड़ की लिमिट इसलिए बोली क्योंकि आप एक स्टार्टअप हो, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, पुराने नहीं हो, अभी जस्ट स्टार्टअप हो। लेकिन अगर आपका 25 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हो तो ऑब्वियस ही बात है भैया आप ऑलरेडी ग्रोन हो, तो आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जितनी किनको मिलनी चाहिए, जो अभी बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो स्कीम आई थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2017 के अंदर आई थी, इसके अंदर ये मेनली फोकस किया गया था कि इंडिया के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जहां पे एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा आए, लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, लोग ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करें जिससे हमको बाहर की टेक्नोलॉजी ना लेना पड़े, हम इंडिया के अंदर ही टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर लें। ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी, उन्होंने टैक्स में आराम दिया, मतलब छूट दी कि आपसे हम 3 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। उन्होंने सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर कर दिया। अगर आपको याद हो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के अंदर प्रोसीजर देखा था कि कंपनी फॉर्म करने का प्रोसीजर कितना कॉम्प्लेक्स होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स कॉन्सेंट, बहुत सारी चीजें देखी थी अंदर। इन्होंने उस चीज को सिंप्लीफाई कर दिया कि हम आपका फॉर्मेशन बड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। इसके बाद उन्होंने एक और चीज बोली, आपको रिस्क लगता है कि पैसा है तो हम आपको लोन भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस फेल होता है कोई बात नहीं, आराम से आप एग्जिट कर जाओ। बहुत सारी चीजें इन्होंने इसके अंदर लगाई। तो कर पढ़ते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए आ सकती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि 4 पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं। पहला, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। दूसरा, 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा, 25 करोड़ एनुअल टर्नओवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन प्रीसीडिंग ईयर्स किसी पुराने साल के अंदर। चौथा,
वो कोई भी इनोवेशन कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, कमर्शलाइजेशन कर रहे हो, जो कि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होना चाहिए। आईपीआर और पेटेंट क्या होते हैं बच्चों, ये हम आने वाली क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय आईपीआर, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट। बस सिंपल वर्ड्स में ये मैं समझा दूं, आप कोई नई चीज लेकर आते हो और हो सकता है कोई आपकी कॉपी कर ले, तो आपको कॉपी ना करे वो, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोटेक्शन देती है, उन्हीं प्रोटेक्शन को आईपीआर बोला जाता है या पेटेंट बोला जाता है। मैंने अभी आपको छोटा सा ब्रीफ में बता दिया कि प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि कोई आपकी कॉपी ना कर ले। कैसे कॉपी होता है, क्या कॉपी होता है, क्या कॉपी नहीं किया जा सकता बच्चों, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब बच्चों पढ़ते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में कि क्या है ये चीज। The Startup India Scheme is an initiative of Government of India with an objective to carve a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country. कि government का एक initiative है जिसके अंदर वो ecosystem बनाने की कोशिश कर रहे हैं और startups को nurture कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। This drive will lead towards sustainable economic growth and generate large-scale employment opportunities. और इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदामंद क्या है कि इकोनॉमी तो ग्रो करेगी करेगी, हम बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंक्रीज करेंगे, ऊपर उठेंगे, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगी। फॉर एग्जांपल बच्चों एक बात बताओ, अगर आप एक सिंगल आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप चार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो वैसे इंडिया के अंदर अगर 1 करोड़ लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 1 करोड़ लोग 4 करोड़ लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो आप ये चीज समझ रहे हो, तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी बड़ी होती जाएंगी। आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है, द स्टार्टअप ऑफ इंडिया एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिजाइन। जो गवर्नमेंट की जो कोशिश है स्टार्टअप को, वो इनोवेशन के थ्रू या नए नए डिजाइन के थ्रू ग्रो कराने की कोशिश करी गई है। आगे पढ़ते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट्स बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया स्कीम का मेन एम क्या है। तो ये 5 पॉइंट है बच्चों, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। The scheme specifically aims to, क्या aim करना चाहते हैं, trigger an entrepreneurial culture and inculcate entrepreneurial values in the society at large and influence the mindset of people towards entrepreneurship. मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया के अंदर एक कल्चर ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हो, लोग जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हो रादर देन जॉब सीकर। कोई ये ना बोले कि मुझे जॉब दे दो, लोग बोले लो बेटा तुम जॉब लो, ऐसा क्रिएट करना चाहते हो, लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि हर कोई ये बोले कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे जॉब प्रोवाइड करना है, ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, create awareness about the charms of being entrepreneur and the process of entrepreneurship especially among the youth. वो यूथ के प्रति, यंग लोगों के प्रति क्या करना चाहते हैं, अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि entrepreneur बनने के charms क्या क्या हैं, क्या क्या बढ़िया बातें हैं entrepreneur बनने से, क्या आप next level achieve कर सकते हो entrepreneur बनने के बाद। ये चीज गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लोगों के मन में अवेयरनेस, लोगों के प्रति अवेयरनेस जागरूक करना चाहती है, और ये भी बताना चाहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस कैसे होती है, सेल्फ डिस्कवरी। बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर ही देखा था सेल्फ डिस्कवरी करना, इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज देखना, आइडियाज को जनरेट करना, प्लानिंग करना, स्टार्टअप रेस कैपिटल, ग्रोथ करना, हार्वेस्ट करना, तो ये सारी प्रोसेस लोगों के प्रति स्पेशली यूथ के प्रति वो क्या करना चाहते हैं, अवेयर कराना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, encourage more dynamic startups by motivating educated youth, scientists and technologists to consider entrepreneurship as a lucrative, preferred and viable career. मतलब क्या, वो जो स्टार्टअप है वो डायनेमिक क्रिएट करना चाहते हैं। बच्चों डायनेमिक का मतलब होता है अलग अलग बदलता हुआ। यूथ के प्रति वो एक अवेयरनेस फैला रहे कि आप अपना अलग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, एंटरप्राइज स्टार्ट करो। साइंटिस्ट को बोला कि आप अपना करो, आपको जरूरी नहीं है कि जॉब ही करनी हो साइंटिफिक लैब्स के अंदर, आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हो, खुद के एंटरप्राइज स्टार्टअप कर सकते हो। और टेक्नोलॉजिस्ट जो नई नई टेक्नोलॉजी पैदा करते हैं उनके लिए भी उन्होंने बोला है कि आप जॉब ना करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ, जिसमें ज्यादा आपका एक अच्छा करियर बन सकता है। आगे क्या दे रखा बच्चों, फोर्थ पॉइंट, सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द प्री स्टार्ट, आगे क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज अर्ली
पोस्ट स्टार्टअप फेज एंड ग्रोथ एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी स्टार्ट करने से पहले, अगर बस अभी सिर्फ आइडिया ही मैं ये चीज कर सकता हूँ तो गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट करेगी कि आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट किया किससे किया जा सकता है, और जब आप आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दो तो उसके बाद बिजनेस को ग्रो कराने के लिए भी गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। और लास्ट स्टेप क्या देगा बच्चों, ब्रॉड बेस्ड द एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई, ब्रॉड बेस्ड द एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई by meeting specific needs of underrepresented target groups like women, socially and economically backward communities, scheduled castes and scheduled tribes। मतलब क्या उन्होंने क्या बोला है कि हम entrepreneur की इतनी supply बढ़ा दे, इतने businessmen create कर दें जिससे हम उन लोगों की भी जरूरतें पूरी कर सके जिनको अभी तक प्रेजेंटेशन मार्केट में प्रेजेंटेशन मिलती ही नहीं है, मार्केट में स्टैंडिंग मिलती ही नहीं है, ठीक है, जिनको पिछड़ा हुआ है, जिनको दबाया के रखा जाता है, तो हम उनकी भी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। और उनके उन्होंने एग्जांपल क्या दिए, जैसे औरतों को, विमेन को दबा के रखा जाता है कहीं कहीं एरियाज के अंदर, तो उनकी जरूरतें पूरी होंगी। इसके अलावा जो भी हमारी कम्युनिटीज है, जो भी हमारा वर्ग है, सोसाइटी है, जो कि लोगों पिछड़ा हुआ माना जाता है, जो पीछे रह जाता है, जैसे SC ST और जो भी पैसे के कारण जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो सोचते रह जाते हैं कि यार काश में वह पैसा होता तो मैं ये काम कर लेता, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए रेडी हैं, बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आपके पास जोश होना चाहिए, आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए, बाकी सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे। आई होप बच्चों अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गया कि इस स्कीम का मेन एम क्या था। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ लिया, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है ये पढ़ लिया, और प्लस गवर्नमेंट का क्या एम है उसके प्रति ये चीज हमने देख ली। अब बच्चों बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इनके लिए, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक्शन पॉइंट्स। सबसे पहला जो एक्शन लिया गवर्नमेंट ने क्या लिया, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। मतलब क्या, हमने सारी चीजें सिंपल कर दी और आपका हाथ पकड़कर हम चलेंगे, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर का हाथ पकड़ के चलेगी। इन द सेंस मतलब क्या कि हमने चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के अंदर देखा कि फॉर्मेशन करना कितना मुश्किल होता है, मतलब हमको बिजनेस करना है, आइडिया हमारे दिमाग में है, लेकिन हम पेपर वर्क देख के इतना घबरा जाते हैं, अरे ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, ये सब करना होगा, भैया मैं ये सब करूंगा तो बिजनेस कब करूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम सब कुछ सिंप्लीफिकेशन कर देंगे और आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मेक कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप्स फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल, सिंप्लीफिकेशंस आर अनाउंस्ड। मतलब हो सके जितना कम से कम पेपर वर्क किया वो कर दिया उन्होंने, और जितना ज्यादा सिंपल कर सके उतना उन्होंने सिंपल कर दिया फॉर्मेशन करना किस चीज का, स्टार्टअप करने का। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या देखा बच्चों, स्टार्टअप इंडिया हब। रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एनेबल नॉलेज एक्सचेंज एंड एक्सेस टू फंडिंग। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली इन्होंने, स्टार्टअप इंडिया हब। अब होता क्या, जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो बिजनेस प्लान अलग बनता है, पैसा कहीं और से रेज करना होता है, एम्प्लॉयज को एक अलग से हायर करना होता है, टेक्नोलॉजी अलग जगह से लेनी होती है। मतलब क्या, एक सिंगल इंसान को दर दर भटकना पड़ता है जिससे वो अपना बिजनेस को, अपने आइडिया को इंप्लीमेंट कर सके। बट यहां पर इन्होंने क्या बोला, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब आप एक जगह जाओगे, एक बार जाओगे और सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाएंगी, आपको अलग अलग दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह पर सारी चीजें बता दी जाएंगी कि ये चीज कैसे होनी है, ये चीज कैसे होनी है, इस चीज के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और प्लस आपको पैसा चाहिए तो पैसा भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसी को गवर्नमेंट ने क्या बोला था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में आसानी, सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम, आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर जाओ सारे काम आपके वहीं पर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है, लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन। क्या दे रखा है बच्चों, रीड करेंगे, द स्कीम फॉर स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जिसको शॉर्ट में SIP बोलते हैं, उन्होंने क्या प्रपोज किया, हम क्या देंगे, प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, डिजाइन ऑफ इनोवेटिव एंड इंटरेस्टेड स्टार्टअप्स। बच्चों अगली क्लास के अंदर तो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन एक ओवरव्यू आपको बता देता हूं। बच्चों देखो ऐसा क्या है कि आपने एक बिजनेस इन्वेंट किया, आपने एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया, तो बहुत ही यूनिक है, और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस या आपका जो आइडिया वो कोई और कॉपी ना कर ले, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से बोलते हो कि गवर्नमेंट मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है कि कोई कॉपी ना कर ले, और अगर कोई कॉपी करता है तो उसको फाइनेंस, उसको फाइन देना पड़ेगा, उसको जेल हो सकती है, उसका बिजनेस बंद किया जा सकता है,
ये चीज क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन लेनी है कि जो भी काम आपने सोचा है करने के लिए, जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जो भी आपका लोगो है, वो कोई कॉपी ना करे। तो उसके लिए आप क्या लेते हो बच्चों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीदते हो, आप अधिकार खरीदते हो कि ये आपका अधिकार है, इसके अलावा आपकी परमिशन के अलावा कोई और यूज तीसरा पर्सन नहीं कर सकता। तो इसके लिए बच्चों कुछ अलग अलग तरीके के राइट्स हैं, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, डिजाइंस। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बच्चों किताबों की फोटोस्टेट होती है, लेकिन एक किताब एक ऑथर ने बड़ी मेहनत से बनाई, महीनों लगा के, सालों लगा के किताब बनाई, और फोटोस्टेट की दुकान पर ऐसे फोटोस्टेट में बिक्री होती है, तो ये इलीगल होता है। अगर आप कोई भी किताब उठाओ उसका दूसरे तीसरे पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो लिखा होता है सी, और गोले में लिखा होता है कॉपीराइट, कि इस किताब को किसी भी तरीके से कॉपी करना, चाहे फोटो क्लिक करके, चाहे फोटोस्टेट करा के, चाहे कैसे भी, ये प्रोहिबिटेड है, ये इलीगल है, पायरेसी नहीं होनी चाहिए। तो वही बात इन्होंने यहां पर बोली है कि आपका आपके बिजनेस का आइडिया, और आप सोचते हो कि यार मैंने इतनी मेहनत से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, कॉपी हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो गवर्नमेंट ऐसे में आपको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट आपकी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकती है, कोई दूसरा कॉपी ना कर ले तो आपकी परमिशन के बिना। ये चीज समझ में आ गया। तो वही गवर्नमेंट ने एक सिप बनाया है, क्या, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, फुल फॉर्म आ सकते एग्जाम के अंदर। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। फोर पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है, इजी एग्जिट। मतलब ये रीड करेंगे जरा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इन द इवेंट ऑफ अ बिजनेस फेलियर एंड वाइंड अप ऑफ ऑपरेशंस, अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है और आपको बिजनेस को बंद करना है, तो प्रोसीजर आर बीइंग अडॉप्टेड टू रीएलोकेट कैपिटल एंड रिसोर्सेज टुवर्ड्स मोर प्रोडक्टिव एवेन्यूज। अगर गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया है, और बाय चांस आपका पैसा क्या हो जाता है बच्चों, आपका बिजनेस खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके बिजनेस को बेचेगी, गवर्नमेंट आपके बिजनेस से पैसा निकालेगी और कहां लगा देगी, जहां उसको बेस्ट अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इससे क्या होगा बच्चों, आपको रिस्क नहीं होगा कि यार मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो गवर्नमेंट आपको ये सब भी चीज कह रही है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, अगर आपके पास एक आइडिया अच्छा है, आपके बिजनेस पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है और आपको लगता है बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, तो आप नए नए आइडिया को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना फेल के डरे हुए। फेल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट संभाल लेगी। गवर्नमेंट बस ये कह रही है कि आप करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप नई चीजें करो, जिससे आप एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को डेवलप कर सको, और बिना किसी टेंशन के एग्जिट ले लो अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है। पढ़ेंगे आगे लिखा हुआ है, दिस विल प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज विदाउट फियरिंग कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग ड्रॉन एग्जिट प्रोसेस। मतलब बिना किसी डर के, आई रिपीट, बिना किसी डर के आप बिजनेस को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नए नए आइडियाज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं चला तो चुपचाप निकल भी सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बढ़िया। आगे पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर सेटअप। आगे पहले इसको रीड करेंगे फिर समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। टू एंश्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंडेड इंक्यूबेटर्स, द गवर्नमेंट एनवी सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेटर्स अक्रॉस द कंट्री इन पीपीपी मोड। पीपीपी बच्चों पढ़ चुके हैं हम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या मतलब है जरा मैं आपको ये बताता हूँ बच्चों। सबसे पहले मतलब समझेंगे इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या होता है बच्चों। इंक्यूबेटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपको पालते हैं, आपको मतलब आपके बिजनेस को पालते हैं। जब बिजनेस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्टार्ट कर रहा होता है, तो बच्चों वो एक एक्सटर्नल कंपटीशन फेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं फेस कर सकता, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज नहीं है, उसके पास उतनी स्किल्स नहीं है, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के संग कॉम्पिटिशन कर सके। तो ऐसे केस में इंक्यूबेटर्स कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो आपको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो आपके बिजनेस को बड़े बड़े कंपटीशन को फेस करने में मदद करते हैं। और जब उनको लगता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर आ गए हो, अब आप बिजनेस अपने लेवल पे खुद संभाल सकते हो, तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन तब तक गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, इंक्यूबेटर्स को पैसा देती है कि वो आपकी मदद करें।
ये चीज क्लियर हो गया तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को बोले जो इंक्यूबेटर्स बन सकते हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को एज अ पेरेंट गाइड कर सकते हैं कि कैसे उनको बिजनेस करना चाहिए, पैसा कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में उन पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे बिजनेस ग्रो करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये भी कर रही है। गवर्नमेंट प्राइवेट इंक्यूबेटर्स को पैसा दे रही है कि आप आगे चल के स्टार्टअप्स की मदद करो। आई होप बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटिंग सेटअप, मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा लगा के उनको इंक्यूबेटर्स बना रहे हैं जिससे वो आगे स्टार्टअप्स की मदद कर सके। और लास्ट पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है, टैक्स एग्जम्पशन। क्या है इसके अंदर, द प्रॉफिट ऑफ स्टार्टअप्स इनिशिएटिव आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। बच्चों 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन का मतलब होता है टैक्स को माफ कर देना, हम आपसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे, इनकम टैक्स स्पेसिफिकली इनकम टैक्स, यहाँ पर जीएसटी की बात नहीं हो रही है। तो आप प्रॉफिट कमाओ, हम आपसे 3 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। या फिर अब ये कह लो, उन्होंने ये बोला कि स्टार्टिंग के अंदर आपका मेन फोकस होना चाहिए बिजनेस को ग्रो कराने में, हम आपको टैक्स की टेंशन नहीं देंगे, आप मन से काम करो, ढंग से काम करो, हम आपको टेंशन नहीं देंगे 3 साल तक, उसके बाद हम आपसे टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, 3 साल तक आप जितना मन चाहे प्रॉफिट कमाओ, आप पैसा इकट्ठा करो, उसके बाद आप अपने बिजनेस को ग्रो करा लो। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी तक हमने देखा स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, 4 कंडीशन देखी, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 30-25 करोड़ उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए पिछले किसी भी साल के अंदर, चौथा उनके पास इनोवेशन होना चाहिए, किस चीज के अंदर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स के अंदर होना चाहिए। हमने इनिशिएटिव देखे, एक्शन प्लान देखे कि सिंप्लीफिकेशन है, स्टार्टअप हो गया, अब तक नॉलेज दी जा रही है, सिंगल पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में नॉलेज दी जा रही है, लीगल प्रोटेक्शन दी जा रही है, इजी एग्जिट है, लॉस हुआ कोई नहीं निकल जाओ चुपचाप। इसके अलावा हमने देखा टैक्स एग्जम्प्ट किया जा रहा है, और बच्चों 5th पॉइंट हमने क्या देखा था कि इंक्यूबेटर सेटअप करे जा रहे हैं, और हमने जब आगे पढ़ा था इसके अंदर बच्चों ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड, और बच्चों हमने देखा था स्कीम का मेन एम क्या था, सबसे पहला कि वो क्या ट्रिगर करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर कल्चर को ट्रिगर करना चाहते हैं, देयर आफ्टर वो यूथ के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो हमारे यूथ को, साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, कि वो करे एंटरप्रेन्योरशिप को, उसके तरफ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी अर्ली स्टार्टिंग का फेज रहेगा आइडिया के बाद, प्री स्टार्ट करने से पहले, पोस्ट स्टार्ट करने के बाद ग्रो कराने के लिए गवर्नमेंट उसमें भी आपकी मदद करेगी, और लास्ट जो हमारा जो भी अंडर प्रेजेंटेड जो भी सेक्शन है सोसाइटी का, उनकी भी हम मदद करेंगे। तो ये सारा कुछ बच्चों अभी तक हमने देखा। अब जो बच्चों मेन टॉपिक आता है वो आता है कि पैसा कहां से आएगा। अगर आपके पास स्टार्टअप करने के लिए पैसा नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से हम ला सकते हैं। वेज टू फंड स्टार्टअप, बच्चों ये 1 मार्क में 3 मार्क में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको केस स्टडीज के फॉर्म में देंगे कि हम ये चीज कर रहे हैं तो बताओ कैसे पैसा हम इसके अंदर ला सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ बच्चों रीड करेंगे, इन एडिशन टू द गवर्नमेंट प्लान्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल्स एंड बैंक लोन्स, द फंडिंग स्टार्टअप्स कैन आल्सो बी अवेल इन द फॉलोइंग वेज। मतलब लोन के अलावा, बैंक लोन के अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके जिसके अंदर हम फंड्स ला सकते हैं बिजनेस के अंदर। एक तो बच्चों पहला तरीका हमने देखा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, पिछले चैप्टर के अंदर देखा था, और इसके अंदर थोड़ा सा और अलग तरीका दे रखा है। बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बूट स्ट्रैपिंग। क्या बच्चों नाम दे रखा है, बूट स्ट्रैपिंग। नाम बच्चों जितना यूनिक है, जितना अलग है ना, काम उतना ही सिंपल है। रीड करेंगे इसको, कॉमनली नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग, इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन, बिकॉज बाय स्ट्रेचिंग आउट योर पर्सनल सेविंग रिसोर्सेस यू आर टाइड टू योर बिजनेस। मतलब ये सबसे पहला क्या, आप खुद का पैसा लगाते हो कोई भी स्टार्टअप करने के लिए, सबसे पहले आप खुद का पैसा लगाओगे। तो वही बात उन्होंने बोली है बूट स्ट्रैपिंग, मतलब आपने अपने जूते पूरे ऊपर चढ़ा लिया, अब आप रेडी हो गए हो कि बस अब मुझे बिजनेस करना है। तो जब सबसे पहले आपकी सेविंग्स का पैसा लगा होता है, आपको खुद का पैसा लगा होता है, तो आप बिजनेस से दिल से जुड़ जाते हो, इमोशनली से जुड़ जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ भी एक्शन करूंगा तो मेरा पैसे पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी और के पैसे पे बिजनेस कर रहे होते ना, तो बच्चों दिल पर उतनी नहीं लगती जितना अपना अपने पैसे से हम बिजनेस करते। आगे पढ़ेंगे, Also at a later stage, investor considered it as your merit. मतलब आगे चल के जब आप बिजनेस में लोगों से पैसा लेते हो, तो लोग भी देखते हैं कि हाँ भाई स्टार्टिंग में लड़के ने पहले खुद पैसा लगाया था, अब हमसे मांगने आ रहा था, मतलब बिजनेस के अंदर जान तो होगी ही। However, it is a good option for funding only if the initial requirement is small and handy. मतलब ये बूटस्ट्रैपिंग कब काम आती है, जब आपकी स्टार्टिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम पैसे की होती है, मतलब थोड़े बहुत पैसे में ही आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा, ग्रो में तो बाद में पैसा आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको कम पैसे की जरूरत है, तो आप खुद का ही पैसा लगा दो तो बेस्ट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है खुद का पैसा लगाना।
सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, क्राउड फंडिंग। नाम ही यूनिक है, काम भी यूनिक है। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है, क्राउड से पैसा लेना, लोगों से पैसा लेना। रीड करेंगे बच्चों क्या दे रखा है क्राउड फंडिंग के अंदर, इट इज अ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। पूलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल। मतलब क्या, आप लोगों से पैसा ले रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन पर्पस के लिए। क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू इन इंडिया, लोगों के अंदर पैसा, यहाँ पे क्राउड फंडिंग नया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर आर मेनी इंस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग आउट टू कॉमन पीपल फॉर फंडिंग। ऐसे हमने बहुत बार देखा है कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लोगों के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारे आप बिजनेस में पैसा लगाइए, हम आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके देंगे। हाउएवर द इमर्जेंस ऑफ प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट क्राउड फंडिंग इज फेयरली रीसेंट टू इंडिया। अभी तक स्टार्टिंग में क्या होता था, कंपनी लोगों के पास जाती थी कि यार हमको पैसा दो और हम आपको पैसा लौटा कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मुझे पैसा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसा चाहिए और मैं पब्लिक से पैसा मांगने जा रहा हूं, क्या पब्लिक मुझे जानती है? द आंसर इज नो, पब्लिक मुझे नहीं जानती। तो फिर मैं कैसे पब्लिक से पैसा लूंगा? तो एक क्या हुआ, बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, पब्लिक उस ऑर्गेनाइजेशन को जानती है और वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे जानता है, तो बस एक बीच में मीडिएटर आ गया, लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे पैसा देगा। तो मतलब क्राउड फंडिंग एक प्लेटफॉर्म आ गया। सेम एग्जांपल स्विगी जैसा, आप स्विगी से ऑर्डर करते हो, स्विगी आपको एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर लाकर देता है, ये चीज समझ में आ रही है? तो आपने उनको पैसा दिया, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को पैसा दिया, उन्होंने मुझे पैसा दिया, तो मतलब है कि मैं उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी पब्लिक से पैसा जनरेट कर सकता हूं। ये चीज समझ में आ गई, लोगों से पैसा ले रहे हैं बस सिंपल वे में, क्राउड फंडिंग, क्राउड से पैसा लेना। These platform help startups and small business to meet their funding requirements. और सिंपल वे में ये जो तरीका है, इससे लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आई होप आपको बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी तक तुमने दो पढ़े, पहला बूटस्ट्रैपिंग मतलब खुद का पैसा लगाना, दूसरा क्राउड फंडिंग पब्लिक से पैसा लेना। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला पढ़ते हैं बच्चों क्या दे रखा है, एंजल इन्वेस्टमेंट। क्या है बच्चों, एंजल इन्वेस्टमेंट। बच्चों एंजल का मतलब मालूम है ना, जो आपकी मदद करता है, आप किसी मुसीबत में फंसे हो तो अचानक से भगवान एक एंजल को भेजता है और आपकी वो मदद कर देता है। तो उसी तरीके से ये एंजल इन्वेस्टमेंट आपके स्टार्टअप की मदद करने के लिए भगवान ने एक एंजल भेजा है। एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। एंजल इन्वेस्टमेंट कौन लोग होते हैं, वो एंजल वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और जो लोगों के स्टार्टअप्स के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर बात करूं बच्चों, रतन टाटा जी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो रतन टाटा जी को अगर लगता है कोई बिजनेस बहुत अच्छा है तो वो उसके अंदर पैसा लगाते हैं, तो वो उस बिजनेस के लिए क्या हो गए, एंजल हो गए, जो उनके बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। पढ़ते बच्चों क्या लिखा हुआ है, एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स। बच्चों ये लोग होते हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये लोग होते हैं विद सरप्लस कैश, इनके पास बहुत कैश पड़ा होता है, हु हैव कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप। जिनका मेन काम, मेन इंटरेस्ट क्या होता है, हम स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाएंगे। दे ऑल्सो ऑफर मेंटोरिंग और एडवाइस अलॉन्ग साइड विद कैपिटल। मतलब वो पैसे के साथ उनको मेंटोर भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, उनको एडवाइस भी करते हैं कि कैसे वो बिजनेस कर सकते हैं। या कुछ चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तीन हो गए, बूटस्ट्रैपिंग खुद का पैसा, क्राउड फंडिंग पब्लिक का पैसा, एंजल इन्वेस्टमेंट एंजल से पैसा। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, वेंचर कैपिटल। वन मार्क के लिए, तीन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, स्पेसिफिकली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेंचर कैपिटल। एंजल इन्वेस्टमेंट में क्या था, एक इंसान के पास जाते थे, वो हमारे लिए एंजल बनकर आता तो हमारे पास पैसा लगाता था। वेंचर कैपिटल में एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हम जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और उनका काम ही यही है कि वो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोला जाता है वेंचर कैपिटल। या कुछ ही समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। रीड करेंगे बच्चों क्या दे रखा है, दे आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स व्हिच आर इन्वेस्टेड इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल। मतलब ये वो उन कंपनी में पैसा लगाते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊंचा जा सकते हैं, उन्हीं के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगा सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड एक्सपर्टीज, मेंटोरशिप एंड एक्ट एज अ लिटमस टेस्ट वेयर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग, इवेल्युएटिंग बिजनेस फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये उनको एक एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, और साइंस में तो बच्चों हमने लिटमस टेस्ट पढ़ ही चुका है 9th-10th के अंदर, तो वो लिटमस टेस्ट की तरह काम करते हैं, जो ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ऊंचा जा रहा है,
क्या वो बिजनेस कर सकता है और कैसे उस बिजनेस को हम बड़े लेवल तक स्केल कर सकते हैं। स्केल का मतलब होता है बड़े लेवल तक लेके जाना। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ये सारे काम करता है पैसे देने के अलावा। ये चीज क्लियर हो गया। एंजल इन्वेस्टमेंट एक इंसान होता है जो पैसा देता है, वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है। आगे क्या दे रखा है बच्चों, बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। बच्चों ये मैंने आपको पॉइंट अभी समझाया था, थोड़ी देर पहले समझाया था। इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या होता है, वो आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपके पेरेंट की तरह काम करते हैं। वो आपको आपकी अर्ली स्टेज में, जैसे आप एक बहुत छोटा बच्चा होता है जो कि कब बहुत ज्यादा नाजुक होता है, उसको चलना नहीं आता, उसको बोलना नहीं आता, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स उसकी मदद करते हैं, उसको नर्चर करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं जिससे वो स्ट्रांग हो सके। ये चीज समझ में आ रही है। तो इंक्यूबेटर्स वो होते हैं और एक्सेलेटर्स कौन होते हैं, जो उनको भगाते हैं, जो उनको रन करवाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही है। पालना आपने देखा होगा, पालने में क्या होता है, बच्चा खेलता रहता है, वो इंक्यूबेटर की तरह है। और होता है वॉकर, वो एक्सेलेटर की तरह होता है। जब चलाना होता है, दौड़ाना होता है, तब हम एक्सेलेटर के पास जाते हैं। और इंक्यूबेटर्स होते हैं वो लोग जो स्टार्टिंग करवाते हैं बिजनेस के अंदर। रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या दे रखा है, ये बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं और बिजनेस एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस कैन कंसिडर इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलेटर प्रोग्राम्स एज फंडिंग ऑप्शन। अगर आपका बिजनेस एकदम स्टार्ट हो रहा है, आपका स्टार्टअप एकदम स्टार्ट हो रहा है, तो आप इंक्यूबेटर्स के पास जा सकते हो पैसा लेने के लिए, या फिर आप एक्सेलेटर के पास पैसा लेने के लिए जा सकते हो। दीज प्रोग्राम असिस्ट हंड्रेड ऑफ स्टार्टअप बिजनेस एवरी ईयर। मतलब ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, जो एक्सेलेटर्स होते हैं, ये हर साल बहुत सारे स्टार्टअप्स को क्या करते हैं बच्चों, मदद करते हैं। दीज टू आर जनरली यूज इंटरचेंजली। मतलब कोई इंक्यूबेटर्स बोल देता है, कोई एक्सेलेटर बोल देता है, अलग अलग एक ही, मतलब होते ना एक सिक्के के दो पहलू, बट ऐसा नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। क्या है बच्चों, इंक्यूबेटर इज लाइक अ पेरेंट हु नर्चर्स द बिजनेस, वेयर एज एक्सेलेटर हेल्प्स देम टू रन एंड टेक अ लीप जाइंट इन द बिजनेस, जाइंट लीप इन द बिजनेस। मतलब क्या, इंक्यूबेटर पेरेंट की तरह होता है जो उनको बिजनेस को बस नर्चर करता है, बड़ा करने की कोशिश करता है, और एक्सेलेटर उसको दौड़ाने की कोशिश करता है। जैसे एक्सेलेटर से गाड़ी दौड़ती है ना, वैसे एक्सेलेटर उनको बिजनेस को ग्रो कराने में, स्पीडली स्केल कराने में उनकी मदद करता है। आगे क्या दे रखा है, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलेटर्स एबली कनेक्ट द स्टार्टअप विद मेंटर्स, इन्वेस्टर्स एंड फेलो स्टार्टअप्स यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स। और ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, एक्सेलेटर्स होते हैं, ये आगे चल के इनको मेंटोर्स प्रोवाइड करते हैं। मेंटोर्स का मतलब क्या होता है, जो आपको गाइड करते हैं, जो उस रास्ते से निकल चुके हैं जिस पर आप चलने की स्टार्टिंग कर रहे हो, वो उनसे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वो आपके लिए इन्वेस्टर्स का अरेंजमेंट करते हैं कि आपके बिजनेस में पैसा लगा सके और आपको स्टार्टअप्स के तौर पर आपको यूज करने के लिए मदद करते हैं। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। इंक्यूबेटर पेरेंट है जो बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, ग्रो कराने की कोशिश करता है, नर्चर करने की कोशिश करता है, और एक्सेलेटर्स को दौड़ाने की कोशिश करता है। और बच्चों लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी। एनबीएफसी की बच्चों फुल फॉर्म लिख लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। दे रखी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। रीड करेंगे क्या दे रखा है, माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज हु ईदर डू नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज और हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर बैंक लोन। मतलब माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देती हैं जो बैंक से लोन नहीं ले पाती हैं। आई रिपीट, अगर आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हो, बैंक आपको मना कर देता है, तो आप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के पास जा सकते हो और वो आपको पैसा प्रोवाइड कर देती है। आगे, सिमिलरली एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ द बैंक। एनबीएफसी होते क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नाम में क्या, नॉन बैंकिंग, ये बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह काम करते हैं। आई रिपीट, ये बैंक नहीं है बट बैंक की तरह काम करते हैं, मतलब लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये पैसा नहीं लेते आपसे, डिपॉजिट नहीं लेते, बट ये पैसा प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ये चीज समझ में आ गई। तो बच्चों ये 6 पॉइंट हमने देखे, जिसके अंदर हमने देखा कि किस किस तरीके से बिजनेस के अंदर पैसा लाया जा सकता है। पहला बूटस्ट्रैपिंग, खुद का पैसा। दूसरा हमारा क्राउड फंडिंग, पब्लिक का पैसा। तीसरा एंजल इन्वेस्टमेंट, रतन टाटा जी एग्जांपल ले सकते हो, एक एंजल के पास जा रहे हो, वो पैसा आपको दे रहा है। चौथा हमारा वेंचर कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही है। पांचवा बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलेटर्स, इंक्यूबेटर पेरेंट की तरह हमको क्या करता है, नर्चर करता है, और एक्सेलेटर बिजनेस को दौड़ाता है। ठीक है, और लास्ट बच्चों हमने देखा माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी।
बच्चों दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास. हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया. अब बच्चों अब हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आई होप आपको मजा आ रहा होगा चैप्टर के अंदर. हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, स्मॉल बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है, और हम देखेंगे IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. बच्चों ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको नए नए आइडियाज को अपना प्रोटेक्ट करना है, तो ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी. टिल देन बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा और पढ़ते रहिएगा. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.